Hey everyone, welcome back to my channel The Divine Bee. I am Urvashi and welcome to a new Dee vlog. Today is 20th of September, Wednesday, and मैं जा रही हूँ अपनी आंखों की सर्जरी कराने. यस, अ वेरी रैंडम, मतलब ऐसे दिमाग में एक दिन आया कि चश्मा हटा देते हैं. घर आई एंड मेरे पापा के बहुत अच्छे एक फ्रेंड, ही इज एन ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, सो मैंने उनसे बात करी एंड ही सेड यस आई एम फिट टू गेट लाइक लैसिक डन. एंड आउट ऑफ नो वेयर आई एम लाइक इमिजिएटली गोइंग फॉर अ सर्जरी. तो मैं रात से, मुझे डॉक्टर ने बोला था, मैं घर पे ही थी एंड मैंने एंटीबायोटिक्स लाइक रात में दो दो घंटे में डाल रही थी, ना मैं आधे आधे घंटे में अपनी आँखों में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाल रही हूँ. और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल ऑपरेशन कराने एंड देन फॉर एवर के लिए चश्मा हट जाएगा. मतलब आई एम वेयरिंग चश्मा फ्रॉम सिंस आई वॉज इन क्लास 9th. उसके पहले मेरी आँखें एकदम फिट एंड फाइन थी, बट आई वॉज ऑलवेज कि मुझे बहुत मज़ा आता था चश्मा पहनने में. भगवान ने चश्मा दे दिया और अब जिंदगी के इतने साल बाद मैं ऐसे, अब चश्मा नहीं हो रहा यार, मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझे बहुत उलझन होती है चश्मे में, तो अब मैं इसको हटाने जा रही हूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे डर नहीं लग रहा है, बिकॉज आँख है यार, आई शुड बी स्केर्ड एंड एवरीथिंग. मुझे अभी तक तो डर नहीं लग रहा, इसके बाद देखते हैं क्या होगा. तो अभी बज रहा है 1, मुझे 2 बजे डॉक्टर ने बुलाया है. मुझे एक्चुअली 10 बजे बुलाया था, बट देन दे वर लाइक यू कम एट 2 o'clock. हम टेस्ट वगैरह, मेरा अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ है, तो मैं जाके टेस्ट कराऊंगी. मैंने तो आज तक कभी बोरा टेस्ट भी नहीं कराया, जो आई ड्रॉप डाल के यू नो आई साइट चेक करते हैं. तो मुझे टेस्ट कराऊंगी, फिर सर्जरी होगी एंड होपफुली सब सही होगा एंड आई वोंट बी वेयरिंग चश्मा एनी मोर. आई एम सो एक्साइटेड एंड बट आई एम नॉट नर्वस. मुझे डर नहीं लग रहा पहली बार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बस हाँ ठीक है, हो जाएगा. आई जस्ट सो ट्रस्ट, लाइक आई ट्रस्ट डॉक्टर्स लाइक एनी थिंग, कि आप जो करोगे सही करोगे. एंड आई विश मेरे पेशेंट भी मुझ पर ऐसे ही ट्रस्ट करेगी, जो करेगी सही करेगी. सो या एंड आई विल ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस अबाउट दिस सर्जरी, जिससे कि आप भी करा सको. एंड अगर अच्छा होता है तो प्लीज़, अच्छा ही होगा यार. तो या ऑब्वियसली आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, आप भी करा सकते हो इफ यू वॉन्ट टू. आई विल टेल कि मैं डॉक्टर से पूछूंगी ना, आपको बताऊंगी कौन कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग. ओके, तो चलो चलते हैं. रेडी तो मैं हो गई हूँ, बस ये मुझे रिंग्स वगैरह सब उतारनी पड़ेंगी बिफोर गोइंग इन टू द ओटी. बाय बाय चश्मा. हाय गाइज, सो आई एम बैक होम. मैं प्लान कर ही गई थी कि मेरी आज ही सर्जरी करा लूंगी, बट वहाँ गई, मैंने टेस्ट वेस्ट कराए अपने आँखों के, सो एवरीथिंग इज़ फाइन. मतलब मेरी पावर चेक हुई, उसके बाद दे उन्होंने रेटिना वगैरह चेक किया, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन. उसके बाद आई मेट डॉक्टर, आई वेंट टू एंजल आई, रावतपुर पे है, डॉक्टर दिलप्रीत के पास. उनसे मैंने बात करी, देन ही टोल्ड मी कि लाइक देर आर 2 types ऑफ दिस सर्जरी, सो आई एम ऑप्टिंग फॉर लैसिक सर्जरी बिकॉज अदरवाइज देर विल बी अ फ्लैप लेफ्ट इन द कॉर्निया. सो मतलब ये वाला ट्रीटमेंट जो मैं ले रही हूँ, इट विल टेक लाइक 1 हफ्ता तक हील करने में टाइम लेगा. दूसरा मैं कोई प्रोसीजर ले रही थी तो इट विल टेक अराउंड 2-3 days, बट यू नो इस ये वाला थोड़ा बेटर था रिकरेंस वगैरह के लिए, बिकॉज मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है. तो वी आर ऑप्टिंग फॉर दिस लैसिक सर्जरी, बट उसके लिए मुझे अराउंड 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा हील करने के लिए. बट आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली दिस सैटरडे, तो आई शेड्यूल्ड इट फॉर नेक्स्ट वीक. मैं नेक्स्ट वीक 27th को सर्जरी कराऊंगी एंड मैंने उस हिसाब से लाइक उनसे पूरा शेड्यूल वगैरह ले लिया है कि क्या करना है, कैसे नहीं क्या करना है. ऑल्सो मुझे नहीं पता था कि आई एम नॉट सपोज टू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो मैं कल बाहर गई थी, मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज लिए थे, दैट वे ऑल्सो आई कुड नॉट गेट सर्जरी डन टूडे. तो मैं अब अगले वेडनेसडे को कराऊंगी. अभी मैंने अपनी आंखों का चेकअप कराया है, एवरीथिंग इज फाइन. तो अब वील गो ऑन 27th एंड गेट माई सर्जरी डन, बिकॉज मुझे यार बैंगलोर भी जाना है. तो मैंने उस हिसाब से अपना शेड्यूल पूरा प्लान करके 27th की डेट लिया है, 27th को आई विल गो फॉर सर्जरी. मतलब अभी भी डर नहीं लग रहा, बट यार इतने पेशेंट, मैंने एक्चुअली मैं आई हॉस्पिटल में पहली बार गई थी एंड आई सॉ सो मेनी पेशेंट्स देयर. इट वॉज प्रिटी नाइस एक्सपीरियंस एंड डॉक्टर इज वेरी स्वीट, द डॉक्टर इज वेरी वेरी स्वीट. सो इफ़ यू आर प्लानिंग कानपुर में हो और इफ़ यू प्लानिंग कभी ऐसे कोई आई सर्जरी एंड ऑल के लिए, यू कैन गो टू एंजल आई. ही द लाइक डॉक्टर दलप्रीत इज़ वेरी गुड बिकॉज ही इज़ माई डॉक्टर, ही इज़ वेरी गुड. ही लाइक मैंने उनसे पूछा भी कि मुझे उसके बाद दवाई के क्या, लाइक ओरल मेडिकेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी एंड ऑल दैट, रिअकरेंस का क्या है.
सो ही इज लाइक ओरल मेडिसिंस तो एक दो दिन चलेंगी, उसके बाद बेसिकली आई ड्रॉप्स है एंड रिअकरेंस का आप इतना ज्यादा चांसेस नहीं है, बट ह्यूमन बॉडी इट कैन कम बैक अगेन. सो या आज का स्टेटस तो यही है. अब मुझे वेट नहीं होगा 27 तारीख तक. बढ़िया, आई हैव टू मच, लाइक मैं सैटरडे संडे दिल्ली जा रही हूँ, मतलब इस हफ्ते मेरे पास काफ़ी काम है टू जस्ट बी एंगेज्ड. सो नाउ सी यू ऑन 26th. मॉर्निंग, टुडे इज 26th of September और आज मैं सुबह सुबह पापा के हॉस्पिटल जा रही हूँ, पापा के साथ कुछ ब्लड टेस्ट कराने हैं क्योंकि कल मेरी सर्जरी है, तो एक कुछ थोड़े बड़े ब्लड टेस्ट कराने हैं पापा के साथ, पापा के हॉस्पिटल जा रही हूँ. और टुडे इज माई सर्जरी, मतलब मैंने जो अपॉइंटमेंट लिया था टुडे, आज क्या अपॉइंटमेंट था मुझे, अब मैं जा रही हूँ सर्जरी के लिए. मैंने अपने बाल धो लिए थे बिकॉज मुझे डॉक्टर ने बोला था कि बाल नहीं धोना है, मैंने कल ही धो लिए थे और कुछ भी लाइक फ्रेग्रेंस परफ्यूम या लोशन नहीं लगाना है, तो मैंने अपनी फाइल कैरी कर रही हूँ और ये आई ड्रॉप एंड आई एम गोइंग टू गेट माई सर्जरी डन. अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि इस एक हफ्ते मैंने थोड़े वीडियो वीडियो देख लिए हैं. चलो चलिए, मुझे अभी अभी से लाइट से डर लगने लगा है, पता नहीं क्यों. मेरे साथ मेरी सर्जरी कराने कौन जा रहा है, मम्मी एंड स्पेशल लोग लखनऊ से आए हैं मुझे अकंपनी करने, हाँ मेरा वीडियो बनाने. अब ये दो दिन पूरे ब्लैक चश्मे में दिखेगी, तो आप लोग देखिएगा जरूर इसको, ये वीडियो उस टाइम नहीं बनाएगी. मैंने ऑलरेडी बना लिया अपलोड, वो अपने आप हो जाएगी कल परसों, अब एडिट नहीं कर पाऊंगी मैं और आगे की वीडियो. मैं आज जा रही हूँ, कल छोड़ के वहीं चली आऊंगी, एडमिट. मेरी आंखें खुल जाएंगी भाई, मुझे और दिखने लगेगा ऐसे, मैं अंधी नहीं हो जाऊंगी, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, ये हट जाएगा. छोड़ के आ जाऊंगी, देखो यहाँ पंडाल भी लगा हुआ है. लगाने के बाद रुक जाओ, बताती हूँ बाहर निकल के. मैं काला चश्मा लगाएगी रोज दिन रात. कैसा लग रहा है तुम्हें? मेरे को अभी बस आंख बंद करने का मन हो रहा है, मतलब कुछ फील नहीं हो रहा है. एक तो मुझे कुछ साफ दिख नहीं रहा है, अभी तक ऑपरेशन करा लिया पर कुछ दिख नहीं रहा है. अबे क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगी जब मुझे दिखने लग जाएगा, मैं बताऊंगी. कितना इजी है यार ये काला चश्मा, कब तक लगना है पता नहीं. कितना बोला, एक हफ्ता बोला होगा, याद नहीं मुझे. मतलब आगे की वीडियो में ऐसे काले चश्मे देखेंगे? हाँ अगर बनाई तो, पर तो बनाऊंगी नहीं. अभी तो सिर्फ आंख बंद करने का मन हो रहा है, खोलने में ऐसे लग रहा है थोड़ी दिक्कत. अभी मैं जाऊंगी कुछ अच्छा खाना खाऊंगी. देखो मेरी आंखें बंद हैं, दिख रही हैं? बहुत अंधेरा दिख रहा है. ओह सही में साफ दिख रहा है मेरे को, मुझे वहां तक दिख रहा है सब कुछ क्लियर. मुझे कायदे से तो आप भी नहीं दिखनी चाहिए थी, बट मुझे वहां तक सब क्लियर दिख रहा है. तो कॉफी बनाते हुए. कॉफी जरूरी है भाई, आँख नहीं खुल रही है, नींद की दवाई दे दी है, सोच रहा था सो क्यों रहा है. कॉफी तैयार है. इट इज डे टू, मुझे बहुत ज्यादा आंसू आ रहा है, लैक्रिमेशन हो रहा है और आंखों में ऐसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन. चश्मे के अंदर मेरी आंखें बंद हैं, अगर आपको नहीं दिख रही है, बट मैं कल से आंखें नहीं खोल रही हूँ बिकॉज दर्द हो रहा है और मैं दवाइयाँ डाल रही हूँ
24 आवर्स उन्होंने बोला था कि थोड़ा आराम मिलेगा, बट अभी बहुत ज़्यादा लैक्रिमेशन हो रहा है और मैं आंखें बंद करके ब्लॉग कर रही हूँ। सो टुडे इज द थर्ड डे बेसिकली 27th, टुडे इज़ द थर्ड डे आफ्टर माई सर्जरी। आज मुझे मैं आँख अपनी खोल पा रही हूँ बट मुझे थोड़ा सा स्वेलिंग है और हेडेक भी है हल्का सा। विजन लाइक आ गई है बट नॉट कम्प्लीटली, मतलब मैं उतना क्लियर नहीं देख पा रही हूँ दूर तक का, बट हाँ आई कैन सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स। फोटोफोबिया अभी भी है, लैक्रिमेशन कम हो चुका है, ड्राइनेस है मुझे एंड बाल वगैरह नहीं धो सकती बिकॉज माई डॉक्टर हैज आस्क्ड मी टू लाइक वॉश बाल एक हफ्ते बाद। लाइक मैं 27 को सर्जरी कराई थी तो मैं 24th के बाद ही बाल धो सकती हूँ एंड दैट्स इट। मतलब सो के काम चल रहा है बट आज काफ़ी आराम है। बट लाइक मैं बाहर जाती हूँ तो धूप आई कांट फेस बिल्कुल भी। स्क्रीन आज मैंने बहुत टाइम बाद थोड़ी देर के लिए चलाई है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है तो दवाई उसके लिए मैं डाल रही हूँ। अभी तक तो एवरीथिंग इज़ गुड। बाकी डॉक्टर ने मुझे 5th मंडे को बुलाया है, मंडे को दैट इज़ 1st को बुलाया है। तब तक आई थिंक एवरीथिंग शुड बी फाइन बिकॉज मुझे डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि 3 से 4 दिन लगेंगे मुझे कंप्लीट हील होने में। तो आई थिंक इट्स एवरीथिंग इज़ अंडर प्रोसेस। मैं दवाई डाल रही हूँ एंड मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बुआ आई थी अब चली गई है तो अब मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ और द मोमेंट आई यूज़ फ़ोन, कल तक तो मैं बिल्कुल स्क्रीन देख नहीं पा रही थी पर आज मैं स्क्रीन देख रही हूँ तो मुझे हेडेक स्टार्ट हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने लग रही है आँख में। तो जस्ट अ क्विक अपडेट, मैं फोन रख के वापस सो जाऊंगी। हेलो हेलो हेलो, सो टुडे इज 4th of October एंड आज पूरा एक वीक कंप्लीट हुआ है मेरी सर्जरी को। लाइक लास्ट वेडनेसडे मेरी सर्जरी थी और आज फिर से वेडनेसडे है। परसों मैं गई थी अपने डॉक्टर के पास सो दे रिमूव्ड एक लेंस जो मैं पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाती थी, वैसा ही एक लेंस काइंड ऑफ लाइक जो जैसे हम लोग चोट पे बैंडेज लगाते हैं ना, दैट काइंड ऑफ अ बैंडेज बट एक लेंस के तरीके से इट वॉज ऑन माई आई। तो मंडे को वो हटा दिया डॉक्टर ने एंड उसके बाद आई चेकअप करी थी तो वो मेरा अभी लाइक कंप्लीट लाइक 6x6 नहीं हुआ है मेरा विजन, बट आई आस्क्ड हिम तो उन्होंने बोला था कि अनदर एक वीक में इट विल बी बेटर देन 6x6 सो आई माइट गेट 4x6 ऑल्सो एंड या बाकी हीलिंग वगैरह एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। दवाई भी उन्होंने जो मुझे आई ड्रॉप्स डालने को बोले थे उन्होंने बोला है कि 10 दिन बाद आई कैन स्टॉप देम एंड एक कंटिन्यू करना है मुझे। एंड या द प्रोसेस वॉज वेरी गुड। इनिशियल डेज में मुझे बहुत ज़्यादा पहले लैक्रिमेशन हुआ, मैं आँख नहीं खोलना चाह रही थी, देन देर वॉज ड्राई आई, फोटोफोबिया तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब मैंने स्क्रीन टाइम मेरा इतना कम हो गया था। मैं बोर हो रही थी बिकॉज मैं फ़ोन नहीं चला पा रही थी, मैं टीवी नहीं देख पा रही थी तो मैं बहुत बोर हो रही थी। बट हाँ फोटोफोबिया हो रहा था, स्क्रीन यूज़ करने में सर दर्द हो रहा था एंड एवरीथिंग। अभी एवरीथिंग इज़ फाइन। मैंने फुल लाइक मैंने बाल धोए हैं आज आफ्टर लाइक सम 9 days या 9 दिन बाद मैंने बाल धोए हैं आज। इतना अच्छा लग रहा है मुझे बाल धो के मुंह धो के। अभी भी आई कैनॉट लाइक मुझे आँख बंद करके ही हेयर वॉश करना है, फेस वॉश करना है, बट या एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। मेरी आई साइट धीरे धीरे बढ़ रही है और बढ़ जाएगी और अच्छी बात है एंड या सो एवरीथिंग इज़ फाइन। दिस सर्जरी इज़ लाइक वेरी कन्वीनियंट सर्जरी यार। जिसने बचपन से चश्मा लगाया हो, मैं अभी भी सुबह उठती हूँ तो आँख खुलने के पहले अपना एक चश्मा एक बार ढूंढती हूँ या रात में सोने से पहले मुझे लगता है लेंस उतार लेती हूँ क्योंकि इतना क्लियर दिख रहा है बिना चश्मे के। सो लाइफ इज़ चेंज्ड फॉर मी राइट नाउ एंड मुझे इतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई। एक दो दिन तो मुझे उन्होंने पहले ही बोला था कि इफ़ आई ऑप्ट फॉर दिस सर्जरी विच इज़ आई ऑप्टेड फॉर ट्रांस PRK लैसिक सर्जरी, सो उन्होंने पहले ही बोल रखा था कि मुझे 3 से 4 दिन लगेगा हील होने में। तो उस टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लाइक, और वो लेंस भी था इस वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई आईज बहुत ज़्यादा हो रही थी। बट एक दवाई नो ही गेव मी आई ड्रॉप, उसको डालते ही आई यूज टू फील सो गुड और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। या कमिंग टू द प्राइस, मुझे ये सर्जरी कॉस्टेड मी 50K या टोटल 50K मुझे लगा है। और इफ आई हैड टू रिकमेंड दिस हॉस्पिटल, आई विल रिकमेंड दिस हॉस्पिटल लाइक एंजल आई। अगर आप कानपुर में और आप लैसिक कराना चाहते हो आई से रिलेटेड कोई भी है, गो टू एंजल आई, बहुत ही अच्छा है।
लाइक द प्रोसेस इज वेरी नाइस, इट्स वेरी क्लीन एंड एवरीथिंग. बाकी अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इफ यू हैव सम क्वेरीज तो मैं एक वीडियोस तो लाइक मैं बैंगलोर जा रही हूँ कल, एक वीडियो मैं अपनी डेली रूटीन में वापस आके जरूर बनाऊंगी कि हाउ आई फीलिंग पोस्ट लैसिक. बट अभी के लिए दिस इज ऑल. मेरी सर्जरी का के बाद मुझे अब क्लियर दिखने लगा है. मतलब सर्जरी के बाद एग्जैक्टली ये हुआ था कि कुछ टाइम एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिखा, फिर ब्लर हुआ. तो मुझे उन्होंने पहले बोल रखा था कभी ब्लर दिखेगा कभी क्लियर दिखेगा, तो डोंट बी लाइक वरीड कि क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज हीलिंग प्रोसेस. क्योंकि जब जैसे ही सर्जरी होके आया क्लियर दिखेगा, बट वेन सेल दोबारा चलना ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, हील करना स्टार्ट करते हैं, देन यू विल हैव ब्लर्ड विजन. सो अभी तो एवरीथिंग इज फाइन. देखते हैं आफ्टर लैसिक मेरी लाइफ में क्या चेंजेस हैं, हेडेक एंड ऑल. मुझे कोई इशू होता है फ्यूचर में तो आई विल कीप यू अपडेटेड. फॉर दैट प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 गिव इट अ थम्स अप. कमेंट डाउन योर क्वेश्चंस, वट एवर यू हैव क्वेरीज अबाउट लैसिक सर्जरी और एनी काइंड ऑफ मायोपिया, हाइपरमेट्रिया, एनीथिंग. आई विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इन नेक्स्ट वीडियो. प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, या फिर जिसको भी चश्मा लगाया, जो भी सोच रहा है लैसिक के बारे में, शेयर इट विद योर एवरीबडी. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिंग दैट बेल आइकन. नाउ यू वॉन्ट सी मी वेयरिंग चश्मा इन माई फ्यूचर वीडियोज. एंड हाँ, बिकॉज इस बीच में मैं फोन बिल्कुल नहीं चलाई थी, आई हैव नॉट रिकॉर्डेड एनी वीडियो. अभी अब फ्यूचर में वीडियो आएंगी. एंड चलो जी चलते हैं. ओके बाय.